पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विश्व संवाद केंद्र ने नारद जयंती के शुभ अवसर पर व्हाइट हाउस में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का विषय पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर बिड्डा और कार्यक्रम की अध्यक्षता IFTM विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विषय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रथम संवादवाहक के रूप में देव ऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिर्दा ने कहा कि पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। पत्रकारिता में चुनौतियां उस समय भी थी और आज भी है, ये अलग बात है कि कुछ चुनौतियां समय के हिसाब से बदल गई हैं। हमारे शासकीय अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं और पिछले अनेक वर्षों से इस तारीख में इस जिम्मेदारी को विश्व संवाद केंद्र की वो बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ, ऐसा कहना चाहिए संरक्षक के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश जी शास्त्री जी समाज सेवा में संलग्न रहते हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें बोलने दी जाएगी ये भाषा के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बरगलाने का ये जो सिलसिला नया नहीं है, आप जानते हैं दक्षिण भारत में तो पूरी तरह से भाषा के नाम पर भड़काया गया। आज से भी 1947 से राहुल गांधी वही खेल खेल रहे, भाषा के नाम पर भड़काना, लोगों के खून के नाम पर भड़काना। क्या मलयाली लोग मलयाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको संविधान मिला? मलयाली तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, तो क्या संविधान आया तब लोगों को तमिल बोलने की अनुमति मिली? ये सब झूठ बोले जाते हैं। लेकिन क्या वायनाड के इस इंटरव्यू के बाद किसी फैक्ट चेकर ने, किसी अखबार ने इसके ऊपर एक संपादकीय लिख करके ये सवाल उठाए कि राहुल गांधी ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं ये चुनौती है मीडिया के सामने। एक और आप बात आपको बताता हूं, अभी मेरे परिचय देते हुए मेरी किताब का जिक्र किया, मोदी वर्सेस खान मार्केट क्या है, ये वो किताब है। और मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं और उस फेक नैरेटिव का जवाब आपको सही नैरेटिव से, सही इंफॉर्मेशन से देना है। चुनौती ये है, अभी हाल में मैंने जो किताब लिखी थी, एक जुमला आप सुनते होंगे लगातार, चुनाव भी चुनाव से पहले भी, सही लोगों के साथ साथ मालूम है क्या इस देश के मीडिया ने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि 700 किसान वास्तव में मारे गए कि नहीं मारे गए? पूरा विपक्ष जो है झूठ बोलता रहा। मैं नहीं जानता, मैं किसी मामलों का विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कृषि कानून जो आए, जो तीन कृषि कानून थे, उनमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश हो सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं। उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो किसानों के लिए ठीक ना, उनको बदला जा सकता था। सरकार को मजबूर कर दिया, इस सरकार को जिसके पास 303 का बहुमत था, जिसको बड़ी एग्रेसिव सरकार, जिसके नेता को तानाशाह कहा जाता है, उस सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। इतने झूठ बोले गए। क्या इस झूठ को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे इस देश में? कुछ लोगों ने उठाए, लेकिन उस झूठ को सवाल उठाने वाले जब वहां पर जाकर लोग ये कहते थे, ये एक झूठ और फैलाया कि अरे ये खालिस्तानी कह रहे थे, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसी किसान को खालिस्तानी नहीं कहा जा रहा था, और कहा गया तो गलत है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, वो खालिस्तानियों को खालिस्तानी कह रहे थे, किसानों को खालिस्तानी नहीं कह रहे थे। और खालिस्तानी वो था जो इस किसान आंदोलन में खालिस्तान का झंडा लेकर गया,
जो झंडा लेकर आंदोलन स्थल पर गया खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? जो भुंडरवाल की टी शर्ट पहन के जाएगा उसको खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन क्या किसी ने सवाल पूछा? और जो लोग वहां जाकर सवाल कर रहे थे कि आपने, कई ऐसे पत्रकार थे जो गए और जिन्होंने कहा कि भुंडरवाला की टी शर्ट पहनकर आपके यहाँ घूम रहे हैं लोग, तो उसको गोली मीडिया कहकर उसको खदेड़ कर भगा दिया गया। ये गोली मीडिया वाले वहां पर ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर पहुंचे जिनके ऊपर खालिस्तानी झंडा लगा था, AK-47 की गन रखी थी। अरे किसान थे, हल की तस्वीर लेकर जाते, ट्रैक्टर की तस्वीर लेकर जाते, AK-47 की तस्वीर लेकर जाने वाले किसान हो सकते हैं क्या? अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो आप गोली मीडिया हो गए? ये सारे सवाल है जो मुझे लगता है जिन पर चिंता होने की जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर मैं अंत में एक बात कहता हूं, जो 700 किसान जो जिनकी मौत हुई इसको लेकर एक मुद्दा बनाया गया, क्या 700 किसानों की मौत हुई इसकी किसी ने पड़ताल की? 700 किसानों की जो मौत की बात आई, मैंने जो आंदोलनकारी थी उनसे मैंने कहा कि आप अपनी एक लिस्ट दीजिए, वो लिस्ट दीजिए जिसमें इन किसानों के नाम है। वो 700 किसानों की लिस्ट मेरे पास आई आंदोलनकारियों के मार्फत आई, और जब मैंने उस लिस्ट की पड़ताल करनी शुरू करी तो जानते हैं उसके अंदर 2 साल का एक बच्चा था, 2 साल के बच्चे का नाम था, जो बेचारा रोड एक्सीडेंट में जिसकी देहांत हो गया था उसको उस लिस्ट में डाल दिया गया। 2 साल के बच्चे को, 12वीं में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, और 700 में से 600 से ज्यादा किसान जिनकी मृत्यु हुई वो अपने गांव में उनकी मृत्यु हुई, किसी बीमारी से मृत्यु हुई, और बीमारी उस वक्त कौन सी थी? कोरोना थी। तो सवाल मेरा यह है कि इस तरह की चीजों की पड़ताल क्यों नहीं होती? और हम हिंदुस्तानियों की मेमोरी बहुत शार्प शॉर्ट होती है, हम लोग भूल जाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA इस देश में, नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद क्या कहा गया कि इस देश में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। पब्लिक TV आपकी आवाज़।